हेलो, मैं सौरभ चुग बापू ग्राफिक से। आज हम सीखेंगे कि हम किसी भी इमेज से कैसे उसे पासपोर्ट साइज़ में बदलते हैं, कैसे उसे एक फ़ोटो से मल्टीपल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाते हैं, और प्लस उसका एक्शन क्रिएट करेंगे कि हमें ये काम दोबारा दोबारा ना करके एक सिंगल क्लिक से ही हमारा काम हो जाए। तो देखते हैं इसे हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे विंडो में एक्शंस का पैलेट ले लेते हैं। तो इसमें हम लोग एक एक्शन पैलेट में न्यू फोल्डर क्लियर कर लेते हैं यहाँ से, और उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, पासपोर्ट रख देते हैं नाम, और ओके। और पासपोर्ट में मेरे को यहाँ पे न्यू एक्शन क्रिएट करना है, और इसका नाम सिक्स फोटोज ऐसे रख देते हैं नाम, इससे सिक्स फोटोज क्लिक होके बनेंगी। रिकॉर्ड स्टार्ट कर देते हैं। अभी रिकॉर्डिंग को यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए, और उससे पहले जो करना है उस पे ध्यान दीजिए। फाइल लेते हैं न्यू। न्यू फाइल में मेरे को एक 2 बाई 2 इंचेस की फाइल बना लेनी है। 2 इंचेस बाई 2 इंचेस, रेजोल्यूशन 300, कलर मोड CMYK, क्रिएट कर लीजिए। और इस इमेज को ड्रैग करके हम यहाँ ले आते हैं और ऐसे सेट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो लेयर्स आ रही हैं, मैं इधर रख देता हूँ, एक्शंस को इधर रख देता हूँ, शॉर्टकट्स को नीचे। तो यहाँ पे जो लेयर्स आ रही हैं, इसको आपस में कंट्रोल ई से मर्ज कर लीजिए। कंट्रोल ई से मर्ज हो जाएंगी। उसके बाद अब हम जो करेंगे वो एक्शन में रिकॉर्ड करेंगे। अब मेरे पास ये 2 बाई 2 इंचेस की फाइल है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल जे करूँगा। सबसे पहले लेयर वाया कॉपी, न्यू में आप लेयर में डुप्लीकेट लेयर है, और लेयर में न्यू में लेयर वाया कॉपी है, कंट्रोल जे ये करेंगे। कंट्रोल जे से ये कॉपी हो जाएगा। स्टेप्स को ध्यान से देखिए, कंट्रोल जे किया है सबसे पहले, उसके बाद कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से मैं यहाँ पे एक विंडो में ऑप्शन पैलेट भी ओपन कर लेता हूँ, जिससे मुझे यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आ जाएं ऊपर। कंट्रोल टी से मुझे क्या करना है कि इस साइड पे क्लिक कर, यहाँ पे राइट साइड पे, क्योंकि इस इमेज को मुझे राइट साइड पे लेके जाना है, वहाँ पे बनाना है। और यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और सेंटर में क्लिक करके मुझे फिर राइट क्लिक करना है। पहले मुझे एंटर कर देना है और फिर कंट्रोल टी करके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो आपको इमेज में जाके या एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म में फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देना है दोबारा से, और फिर एंटर कर देना है, और इमेज में रिवील ऑल करना है। देखिए, दो फोटोज बन गई हैं। अब उसी तरीके से मैं तीसरी फोटो भी बनाऊंगा, बिल्कुल सेम तरीके से। तो आप देखिए कैसे बनेगी। सबसे पहले आपको कंट्रोल जे करना है, फिर कंट्रोल टी करना है, और इधर क्लिक करके, यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक करके इस पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देना है और एंटर कर देना है। फिर कंट्रोल टी करना है और एडिट में ट्रांसफॉर्म में जाके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देना है, फिर एंटर करके इमेज में रिवील ऑल कर देना है। तीसरी फोटो बन गई। तीनों को मर्ज कर देना है कंट्रोल ई से सिलेक्ट करके, और फिर कंट्रोल टी करेंगे। अब की बारी, पहले कंट्रोल टी से कंट्रोल जे कर लें, कॉपी बना लेते हैं, फिर कंट्रोल टी करते हैं। अब की बारी मुझे नीचे चाहिए, तो नीचे यहाँ पे नीचे वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके फ्लिप वर्टिकल करेंगे, फ्लिप वर्टिकल कर देंगे, एंटर कर देंगे। फिर कंट्रोल टी करके एडिट में ट्रांसफॉर्म में फ्लिप वर्टिकल कर देंगे, एंटर कर देंगे। अब इमेज रिवील ऑल कर देंगे। 6 फोटो बन गई। कंट्रोल ई से मर्ज कर देंगे। तो ये सिंगल इमेज से 6 इमेजेस बना दी हैं मैंने।
और उनका एक्शन भी यहाँ पे तैयार हो गया है, इस एक्शन को स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर दोबारा आप वीडियो देख के, दोबारा स्लो मोशन में देख के, उसको धीरे धीरे स्टेप्स को नोट करके समझ सकते हो। अब एक्शन को कैसे यूज़ करना है हम वो देखेंगे कि अब मैं यहाँ से फाइल ओपन करता हूँ और सपोज मैं ये इमेज ले लेता हूँ। अब मुझे इस इमेज को 6 इमेजेस में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल यहाँ से इस एक्शन को, 6 फोटोज वाले एक्शन को प्ले कर दूँ। ये आपको एक्शन चलाते ही 6 फोटोज में कन्वर्ट हो गया। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आई या और समझना चाहते हो इसे डिटेल में, तो आप ज़रूर कमेंट करिए या कॉन्टैक्ट करिए बापू ग्राफिक्स.com पर। थैंक यू।